खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शासन के गृह सचिव शैलेश बगोली द्वारा उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा व विचार विमर्श किया गया। वहीं उक्त विचार विमर्श के दौरान पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से सचिव गृह महोदय को अवगत कराया। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विजन और प्राथमिकताओं को धरातल पर लाने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रयासरत है। आगामी लोकसभा निर्वाचन, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल सम्पन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। वहीं सचिव गृह शैलेश बगोली ने कहा कि आज की इस बैठक से पूरे पुलिस विभाग का संक्षिप्त विवरण मुझे प्राप्त हुआ है। वहीं पुलिस विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही 3 नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं पुलिस विभाग के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बैठक में निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जहां कार्मिक प्रोविजनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया। तो वहीं ITDA के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाली ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से संबंधित अन्य फील्ड के एनालिसिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों को सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जन जागरूकता आदि का शेड्यूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। वहीं स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत नए वाहनों के क्रय करने हेतु शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने पर चर्चा की गई। तो वहीं कुमाऊं परिक्षेत्र में SGRF की नई बटालियन खोले जाने पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, वी मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूर संचार, AP अंशुमन, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था सहित समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तराखंड शासन से विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह अतर सिंह, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। करता हूं, आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और PHQ में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उस पर उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। और ये 3 एक्ट्स में जो लिखा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ही बेसिकली इसमें बात कही हुई है और इसका जो कोर में स्मार्ट पुलिसिंग है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों की इसमें बात कही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है एक तरह से डिज़ास्टर प्रोन भी है और इसके अलावा हमारा एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा पुलिस विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहा है और उसको और बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक आइडियल स्टेट बनने की तरफ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से कैसे जा सकते हैं आगे, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस फोर्स है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी चाहे आवास की समस्या है, उनकी व्हीकल्स की समस्या है, उनके बारे में भी आज हम लोगों ने बात की है और कैसे हम लोग PHQ और शासन मिलकर के कैसे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में बात की है। और आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और एक होम डिपार्टमेंट को पूरे देश में एक आइडियल होम डिपार्टमेंट बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे, आज इसी बारे में चर्चा हुई है। मैं DGP साहब का और उनकी पूरी टीम का भी आज के इंटरेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।